मैं अपने पहले वतन को अपने दिल की गहराइयों से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे भारत में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो एकता का पैगाम है हमारे भारत में, ये बहुत अच्छा है। और हमारे सभी एक दूसरे को अपने भाई समझकर इस देश में रहते हैं। और अपने जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे फौजी हैं, वो भाई एक बर्फीली बर्फ पर रहकर जो इस देश की रक्षा करते हैं, दिन और रात एक होकर अपनी बहुत बहुत मतलब जो है मेहनत से उस बर्फीली बर्फ पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और हम सभी उन भाइयों को, उनके परिवार को बहुत बहुत मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे भारत में जो शहीद हुए हैं, उन सब की कुर्बानी कभी खाली नहीं जाएगी, उनके हमेशा नाम कायम रहेगा। और इस भारत में हिंदू मुसलमान सभी ने इसमें योगदान दिया है, उन सभी हमारे जिन्होंने इस पर जो है अपनी कुर्बानी दी है, उन सब के परिवार को, उन सबको अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे भारत को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त, अब जो 2019 में जो इसमें चुनाव होने जा रहा है, एक समाजवादी पार्टी का महागठबंधन का वो परचम लहराएगा कि जिसको जो है सब याद करेंगे, एक मिसाल बनेगी। और हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो यहाँ लहर दिखाई दे रही है गठबंधन की, उस गठबंधन की लहर का लोगों ने इतना अंदाजा भी नहीं लगाया होगा जितनी के यहाँ पे सीट आएंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी में बहन मायावती जी ने और माननीय अखिलेश जी ने जो ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इस पर जो हमारे आपस में भाईचारा का जो पैगाम गया है, ये बहुत बेहतर होगा और इसका रिजल्ट आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा। मेरे सभी महानगरवासियों को, खासकर ग्राम पंचायत पीपलसानी की आवाम को अपनी दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय बहुत बेहतर होगा और हमारे एक देश को ऊंची बुलंदियों पर ले जाएगा। और हमारे जो भी आपस में भाई हैं, एक दूसरे को अपना भाईचारा बनाए रखें और हमारे भारत की अमन और चैन कायम रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।